आंवला का शरबत एकदम मिनटों में तैयार होता है, ऐसा मैं कहूंगी तो आपको विश्वास नहीं होगा। लेकिन ये पॉसिबल है क्योंकि आज हम ये गुणकारी आंवला बहुत समय तक टिकने वाला सिरप बना रहे हैं। ऐसा सिरप जो यूज करके आप एक चुटकी में शरबत बना सकते हैं। एक बार बना के रख दिया 3-4 महीना फ्रीज में आराम से रह जाता है। तो आंवला का सीजन है, ये बना के रख दो, पूरी गर्मी इसका आनंद उठाए। ये पानी में मिक्स किया और शरबत तैयार। और ये बनाने के लिए कुछ ज्यादा सामान की भी जरूरत नहीं है, रेसिपी एकदम इजी है। तो चलो शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन है, अभी तक मेरे वीडियो को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मुणाल्स किचन में। आंवला का शरबत बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है 1/2 किलो जितना आंवला। यहाँ मैंने आंवला को अच्छे से धो लिया है। और हाँ, याद रखिए कौन सा भी शरबत बनाने के लिए वो ज्यादा दिन अच्छे से टिकने के लिए उसमें थोड़ा भी पानी का अंश नहीं रहना चाहिए। इसलिए आंवला अच्छे से धो कर लीजिए, छलनी में रख दीजिए, एक कॉटन या नैपकिन से अच्छे से पोंछ लेंगे। नहीं तो आप पोंछने के बाद इसको 10 से 15 मिनट के लिए फैन के नीचे रख सकते हैं। तो यहाँ जब भी आप टिकने वाला कोई भी रेसिपीज करते हो तो इसको पानी का थोड़ा भी स्पर्श नहीं होना चाहिए। अभी इसका हम पल्प तैयार कर लेंगे। तब एक तो आप यहाँ इसको कद्दूकस करके ले सकते हैं या फिर इसको कट करके ले सकते हैं। तो यहाँ मैं कट कर रही हूँ, आप चाहो तो इसको कद्दूकस करके ले सकते हैं। फिर इसका पल्प निकाले। तो पहले यहाँ इसको मिक्सर में से निकालने से पहले ऊपर का जो सॉफ्ट पार्ट है ना उसको काट लेंगे, यहाँ बीज का उपयोग नहीं करना है। तो यहाँ मैंने आंवला को सब काट लिया है। अब लेंगे ग्राइंडिंग जार और ग्राइंडिंग जार में आंवला डाल के इसका हमें एक पेस्ट तैयार कर लेना है। यहाँ जो भी बर्तन हम यूज करेंगे वो सारे क्लीन होने चाहिए, उसमें थोड़ा भी पानी नहीं लगना चाहिए। अब यहाँ देखिए मैंने आंवला को अच्छे से पीस लिया है और बाकी का आंवला इसके बाद पीसेंगे। अब यहाँ मैंने एक बाउल लिया है और जो पीस के हमने आंवला लिया था ना वो इसमें डाल देंगे और बाकी का आंवला हम पीस के लेंगे। तो लीजिए बाकी आंवला को मैंने पीस लिया है, तो इसको एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। और ट्रांसफर करने के बाद देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। अभी यहाँ आंवला का पेस्ट तैयार कर लिया है। अभी क्या करेंगे, हम बोल लेंगे और बोल के ऊपर एक छलनी रख देंगे। छलनी के ऊपर एक कपड़ा या मलमल का कपड़ा रख देंगे और क्या करेंगे, आंवला हमने पीस के लिया था ना सारा यहीं पे डाल देंगे और इसको स्वीज कर लेंगे। अभी इसको स्वीज करके इसका पल्प यानी जूस निकालना है। ये देखिए एकदम इजीली इसका पल्प निकल रहा है, पूरा निचोड़ के पूरा पल्प यहाँ निकालेंगे। और ये देखिए पूरा आंवला का हमने जूस यहाँ निकाल लिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ भारी तले की कढ़ाई गैस पर रख देंगे, गैस का फ्लेम लो ही रखना है। और यहाँ अब इसमें डालेंगे 600 ग्राम चीनी और फिर इसमें डालेंगे जो हमने आंवला का जूस बना के रख दिया था ना वो सारा यहीं पे डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं ऐड करना है, जो हमने आंवला का जूस इसमें डाल लिया है उसे ही सिरप बना के तैयार कर। अभी पहले हमने गैस का फ्लेम हाई रखा है, थोड़ी देर बाद गैस का फ्लेम लो रखेंगे और कंटिन्यूसली चलाते हुए शक्कर पूरी तरह, यहाँ शक्कर मेल्ट हो जाने के बाद गैस का फ्लेम लो रखना है, नहीं तो शक्कर पूरी तले पे जाके चिपक जाएगी। अभी इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना है, 3-4 मिनट में ही शक्कर पूरी मेल्ट हो जाएगी। और ये देखिए शक्कर पूरी मेल्ट हो गई है, आप देख सकते हैं। अभी इसको एक टैंगी टेस्ट आने के लिए इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच जितना काली मिर्च पाउडर, 2 चम्मच भुनी हुई जीरा पाउडर यहाँ डाल देंगे, 1 चम्मच डालेंगे काला नमक और 1 चम्मच डालेंगे रेगुलर वाला नमक। आपको ये मसाले यहाँ नहीं डालने हैं तो भी चलेगा। अब मसाले हमने डाल दिए हैं, अभी लो फ्लेम पर इसको अच्छे से एक उबाल आने देंगे। और ये देखिए इसमें अच्छा सा एक बॉईल आ गया है, आप देख सकते हैं। गैस का फ्लेम हमें यहाँ लो ही रखना है और लो में ही चलाते रहना है और सिर्फ 1 से 1.5 मिनट इसको और बॉईल करना है। ज्यादा बॉईल यहाँ नहीं करेंगे, नहीं तो क्या होगा, हमारा पाग है वो ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तवे को गैस पे उतारेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। और ये देखिए अभी इसको मैंने 2 मिनट बॉईल कर लिया है, गैस का फ्लेम अभी ऑफ कर देंगे। अभी देखिए सारा जो सिरप है वो हल्का सा गर्म है। अब इसमें डालेंगे नींबू का रस। तो यहाँ मैंने लगभग 3 चम्मच के करीब नींबू का रस इसमें डाल दिया है। आपको नींबू का रस पसंद नहीं है तो मत डालिए।
नींबू का रस यहाँ डाल के फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको पूरा ठंडा कर लेंगे। ध्यान रहे, नींबू का रस यहाँ डालने के बाद फिर से इसको बॉईल नहीं करना है। जरूरी पॉइंट, नींबू का रस डालने के बाद इसको फिर से बॉईल नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा, आंवला का जो शरबत हमने बनाया है वो कड़वाहट पे आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं 2 घंटे बाद पूरा सिरप ठंडा हो गया है, लेकिन कोई भी हम शरबत पीते हैं, पीते समय मुंह में मसाले आते ना तो थोड़ी इरिटेशन सी होती है, इसलिए हमें इसको छानना होगा। फिर से यहाँ एक छलनी के ऊपर सूती कपड़ा या मसलिन कॉटन रख देंगे, सारा सिरप यहीं पे डाल देंगे और इसको अच्छे से छान लेंगे। अभी इसमें हमने जो मसाले डाले हैं जैसे जीरा पाउडर वगैरह, वो छानते समय इसमें थोड़े भी नहीं आते हैं। देखिए, सारा सिरप हमने यहाँ छान लिया है और ये जो मसाले हमने इसमें डाले थे ना, वो कपड़े में ही रह गए हैं, इसलिए कपड़े में ही इसको छान ले। अब यह सिरप को स्टोर कैसे करना है, तो यहाँ हम कोई भी कांच की बोतल अच्छे से धोकर पोंछ के ले, या फिर पोंछने के बाद कड़क धूप में इसको आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दे, ताकि इसमें का मॉइस्चर होगा वो सारा निकल जाएगा। फिर इसमें सिरप भर दे और फ्रिज में रख दे। अभी यहाँ मैंने कांच की बोतल ली है, सारा यहीं पे सिरप डाल देंगे और ये देखिए इसकी थिकनेस, हनी कैसे होता है सेम वैसे ही। अभी इसको ढक्कन लगाकर फ्रीज में रख दे, जब भी शरबत पीना हो बोतल निकालो और शरबत पी लो। अभी यहाँ इसे शरबत कैसे बनाना है वो देखेंगे। अब यहाँ सिरप में से 2 चम्मच सिरप निकालेंगे और इसमें डाल देंगे, इसके बाद डालेंगे पानी, अच्छे से करेंगे मिक्स और ये देखिए हमारा बहुत ही टैंगी फ्लेवर का आंवला जूस है तैयार। तो सोच क्या रहे हैं, इसकी बहुत ही अमेजिंग टेस्ट है, आप भी जरूर बनाइए। आंवला का सीजन है और इसको बनाना तो बनता है। तो आज की आंवला सिरप की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।